देखिए बच्चों, आज हमको जो सीखना है नॉमन क्लेचर ऑफ आ गया नॉमन क्लेचर ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बेटा एसिड एंड हाइड्राइड होते क्या है, राइट? तो देखिए एसिड एंड हाइड्राइड का क्या मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है ना सभी को? अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए, देखिए ध्यान से, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए और इन दो मॉलिक्यूल्स के अंदर से आपने एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, समझिएगा, और आपको मिलेगा एसिड का एन हाइड्राइड। क्या मिलेगा? एसिड का एन हाइड्राइड। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, क्लियर है तो बेटा सभी वाटर को? रिमूव किया है ना? जी, ओ एच एक से, एक से एच वाटर आ जाएगा, H2O। ओके सर। और इस H2O को रिमूव करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? P2O5 के साथ इसको गर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको? P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ इसको गर्म कर दीजिए, सिंपल तरीका है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 के साथ जैसे ही गर्म करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? एसिड एनहाइड्राइड, और वाटर क्या होता है? निकल जाता है बाहर, ठीक है ना? P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। P2O5 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मतलब हाइड्रेशन को खत्म करने वाला। बात समझ में आ रही है सभी को? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? हेलो बच्चों, यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। अब ये जो एन हाइड्राइड है, इसे हम बोलते हैं एसिड एन हाइड्राइड, इसी को बोलते हैं एसिड एन हाइड्राइड। अब ये बेचारे जो हैं एसिड एन हाइड्राइड बेचारे फंस गए। फंस इसलिए गए क्योंकि ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है सिमेट्रिकल और एक हो सकता है अनसिमेट्रिकल। समझना बात को, सिमेट्रिकल एन हाइड्राइड, वैसे एसिड एनहाइड्राइड ज्यादा अच्छा वर्ड और अनसिमेट्रिकल। क्लियर है बेटा? अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि भैया R1C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R2। अब देखिएगा इसको बिल्कुल बीच से बाइसेक्ट करिए, क्या दोनों ऊपर नीचे के हिस्से सेम टाइप के हैं या अलग अलग टाइप के हैं? अलग अलग टाइप के हैं, एज लॉन्ग एज R1 इज नॉट इक्वल टू R2, सो कॉल्ड अनसिमेट्रिक। सो सॉरी 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 सॉरी, सिमेट्रिकल की बात चल रही है, ऊपर और नीचे का हिस्सा सेम है, एज लॉन्ग एज R1 इक्वल टू R2, सो कॉल्ड सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। क्लियर है बेटा? हेलो एवरीवन, हेलो। यस सर। और अगर मैंने इस तरीके का कोई एनहाइड्राइड बनाया, ये लीजिए, इसमें ऊपर और नीचे के हिस्से डिफरेंट होंगे, एज लॉन्ग एज R1 इज नॉट इक्वल टू R2, सो कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, बेटा लिख लिया यहां तक सभी ने? यस बेटा सर। नोट कर लिया? अब नेमिंग कैसे करते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं, अगर एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है तो सिचुएशन क्या बनेगी।
सिमेट्रिकल केस में बहुत ही सिंपल होता है, आपका नाम हो जाता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। सिंपल तरीका भैया, सिंपल तरीका है। और जैसे मैं एग्जांपल ले लूं एच, अब मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज कर रहा हूं, बताइए अब इस केस में क्या होगा, आपको ऊपर कितने कार्बन, देखो सिमेट्रिकल है बस कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले केस में आप देखो कितने कार्बन है, एक एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है मिथ, तो नाम हो जाएगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, मान लीजिए मैंने लिखा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री, बताइए सिमेट्रिकल है हाँ या ना? यस सर। अगर सिमेट्रिकल है तो बस किसी एक साइड कार्बन एटम चेक कर लो, कितने कार्बन है, दो, दो कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है एथ, एथ प्लस एन प्लस ओइक एनहाइड्राइड, तो क्या नाम बन गया इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है बेटा यहां तक? हेलो हेलो बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए अगर मैं आपको कुछ और दे देता हूं, बताइए सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो किसी एक साइड कार्बन एटम चेक कर लो, कितने हुए, चार, नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड। तो अगर सिमेट्रिकल का नाम करते हैं, मतलब इस तरह से करते हैं, तो ये सिमेट्रिकल का नाम क्लियर है सभी को? सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड के नेमिंग सभी को क्लियर हो गए? यस सर। अब आ जाते हैं अनसिमेट्रिकल वन केसेस में। अगर मैं अनसिमेट्रिकल की बात करूं, अनसिमेट्रिकल में मतलब ऊपर नीचे अलग अलग होगा, जैसे H C डबल बॉन्ड O, मैं कुछ चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा संशोधन, जैसे ऐसे कर लेते हैं, अब बताइए अब ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल है, अब आपको दोनों साइड चेक करनी पड़ेंगी, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक और दो कार्बन, तो एक तरफ तो बन गया ये मिथेनोइक, दूसरी तरफ बन गया इथेनोइक। अल्फाबेटिकली लिखना होगा, पहले किसे लिखेंगे ई को, तो नाम हो जाएगा इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रही है सभी को? हेलो। तो अनसिमेट्रिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया सभी का? यस सर। अगर मैं अनसिमेट्रिकल में और चीजें लेके आऊं, जैसे इस तरीके से मैंने कुछ लिया, क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। गलत हो गया, पहले तो ये देखो ये अनसिमेट्रिकल है, इसके नाम का पहला लेटर बी, इसके नाम का पी, तो पहले किसे लिखेंगे? ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। यस। अब आ जाते हैं साइक्लिक, तीसरी एक और वैरायटी चलती है इनकी साइक्लिक। साइक्लिक वालों में कोई समस्या नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया, मान लो मैंने, अब आप देखो कितने कार्बन एटम है इसमें, दो, और इस तरीके से जुड़ गए, तो इसको बोलते हैं इथेन 1.2 डाइओइक एनहाइड्राइड। समझ में आ रही है बात? हेलो 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 हेलो
हेलो बेटा, क्लियर है यहाँ तक? बेटा क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ जी, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन वन पेंटेन। प्रोपेन नहीं बेटा, देखो पेंटेन, पेंटेन 1,5 डाइओइक एनहाइड्राइड। अरे बेटा समझ रहे हो आप बात को या नहीं? हेलो बेटा, क्लियर है यहां तक सभी को? हेलो बेटा, ये क्लियर है यहां तक सभी को? बेटा यहां तक सभी को क्लियर है? बताइए इसका नाम क्या होगा? सर जी, सर ऊपर वाला जो आपने दिया है उसमें ब्यूटेन आएगा है ना? ब्यूटेन आएगा ना? इथेन के बदले ब्यूटेन क्यों आएगा बेटा? ये देखो ना, 1, 2, 3 ऊपर वाला, ऊपर सर इसके पहले वाला वन, अच्छा ब्यूटेन आएगा। सॉरी, कर लो कर लो कर लो उसको। ठीक है, चलिए नीचे वाले का हो गया। अब इसका करो रिंग फ्यूज्ड। इधर देखिए सभी ध्यान से। हेलो बच्चों, हेलो बेटा, यहां पर देख। अब आते हैं रिंग फ्यूज्ड। रिंग फ्यूज्ड इस तरीके से होती है। अब आप देखिए, ये जो ब्लैक कलर की रिंग है ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, और साइक्लोहेक्सेन के साथ जब ये जुड़ जाए तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। हेलो हेलो एवरीवन, बेटा लिख लिया? अच्छा चलो एक और बात बताओ, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा बेटा? बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एक्चुअल में याद रखना बात को, जब रिंग फ्यूज्ड हो तो इनको कार्बोक्सिलिक नहीं बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा डाइओइक एनहाइड्राइड। ठीक है ना, इसी तरह से ये भी क्या होगा? बेंजीन 1,2 डाइओइक एनहाइड्राइड। हेलो बेटा, लिख लिया आप सभी ने? बेटा ये आवाज किसकी आ रही है बैकग्राउंड में? आवाज बेटा बैकग्राउंड की आवाज बंद कर दो प्लीज बेटा। हेलो बेटा, ये बैकग्राउंड में आपकी आवाज आ रही है। अनमोल बेटा आपके, हाँ जी तो बेटा हो गया यहां तक? हेलो बेटा, यहां तक हो गया सभी का? यस सर। अब आ जाते हैं एक नए केस पे। ये जो नया केस है ये अपने आप में बड़ा विचित्र है। मैं आपको इनके बारे में, रिंग फ्यूज्ड वालों के बारे में अब आपको चर्चा बाद में भी करूंगा। अभी ये जो रिंग फ्यूजन वाला केस है ये मैं आपको आगे चल के फिर से बताऊंगा। ठीक है ना, अब आ जाते हैं एसिड एस्टर्स। किसके नॉमेनक्लेचर पे? एसिड एस्टर्स। एसिड एस्टर होते क्या हैं? देखिए, जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ होती है, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो वाटर बाहर निकल जाता है और बनता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR। ठीक है ना, राइट। और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मैं आपको ज्यादा बेहतर बता पाऊं, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, OH
आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से और एच आता है एल्कोहल से और बनता है पानी, राइट। और ये जो प्रोडक्ट मिला हमारे लिए RCOOR-, इसको बोलते हैं हम एसिड एस्टर। तो एसिड एस्टर एक ऐसी चीज होती है जो कि बनती किससे है, एसिड और एल्कोहल के कॉम्बिनेशन से। जैसे आप ओरल एल्कोहल इंसान भी पीता है तो उसके शरीर में भी बहुत सारा एस्टर बनता है, ठीक है ना। फ्री एम्प्टी कैलोरीज है तो एस्टर बनाती है, ठीक है। क्लियर है बेटा सभी को? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। अब इनका IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा बेटा? यहां तक हो गया, सभी ने नोट कर लिया? इनके IUPAC नेम को लिखने के लिए मैंने यहां पर लिखा RC OO OO R'। या फिर ऐसे कर लो, एक को बोल दो 1, एक को बोल दो 2, ये कर लिया, ठीक है। अब इसका जो IUPAC नेम होता है ना, सबसे पहले तो इसे लिखना है। इसको मैं बोल रहा हूं एल्काइल 1, वो तो आप कार्बन एटम चेक कर लेंगे, और फिर इस पूरे को चेक करना है। इसको बोलते हैं एल्केनोएट, राइट, एल्केन प्लस ओएट, तो नाम जो पड़ जाता है Alk2NO8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल एल्केनोएट। एस्टर का नाम इसी तरीके से लिखा जाता है। अभी मैं समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए आप नोट कीजिए इस बात को। बच्चों नोट कर लिया सभी ने? हेलो बच्चों, सभी बच्चों ने नोट कर लिया? अब जैसे फर्ज करिए कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, HC OO CH3, तो ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है जरा देखो, मिथाइल, मिथाइल। और यहां पर कार्बन एटम का वर्ड रूट क्या आ रहा है, मिथ, एक ही कार्बन है। Yes, sir. तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले तो लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल मिथेनोएट, और यहां पर आ जाएगा एक कार्बन को मिथेनोएट बोल देंगे और ये हो जाएगा मिथाइल। नाम कैसे लिखते हैं, मिथाइल मिथेनोएट। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो एवरीवन, अगर मैं आपको एक और सवाल दूं, एक और क्वेश्चन दूं, जैसे HC OO OET, अब क्या लिखोगे इसका नाम, क्या नाम होगा भैया बोलो, इथाइल मिथेनोएट। वेरी नाइस, ईटी स्टैंड्स फॉर इथाइल एंड दिस होल गोज टू ओनली वन कार्बन एटम विद, सो नाम नेम इज इथाइल मिथेनोएट। बात समझ पा रहे हो आप सभी? हेलो एवरीवन, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इस तरीके से मैं आपको कुछ दे रहा हूं खेल कूद करने के लिए, CH3 C OO OET, अब क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल इथेनोएट। बात समझ पा रहे हो आप सभी? यस। अगर मैंने लिखा CH3 C OO और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे, अब आप क्या करोगे, वो कार्बन जो पेरेंट कार्बन ऑक्सीजन से लिंक्ड है उसको बोलेंगे 1, लंबी चेन तक जाएंगे, अब क्या बोलेंगे इसको, 1 मिथाइल इथाइल, और इसका नाम हो गया, बोलो इसका नाम हो गया, अब आगे क्या लगा देंगे, इथेनोइड। बताइए क्लियर है सभी को? हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, क्लियर है यहां तक सभी को? बच्चों यहां तक सभी को क्लियर है? अब आ जाते हैं एक नई चीज पे, एस्टर आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक 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 एग्जांपल है, अब बताइए, अब बताओ, बेंजीन जो है एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप से लग गया, अब स्पेशल रूल लग जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, वो नाम का नियम तो वही है, पहले इथाइल को ही लिखेंगे, इसके बाद हम बेंजोएट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलेट होती है, बोलिए हाँ या ना,
इस तरीके से हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक और काम करने बताता हूँ। बताइए इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले तो केस को लिखते हैं इस वाले हिस्से को। ये कौन है हमारा? इथाइल। अब लिखेंगे इस वाले हिस्से को। इस वाले हिस्से का नाम लिखना है तो इसको बोलो वन, इसको बोलो टू, इसको बोलो थ्री, तो हो जाएगा थ्री क्लोरो बेंजीन कार्बोक्सिलेट। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। ऐसे करना होता है ना नामकरण में? किसी को कोई समस्या? नो सर। अब आ जाते हैं हम एसिड एमाइड। एसिड एमाइड की बात करूं तो ये तीन तरीके का होता है। एक तो होता है CONH2, इसको कहा जाता है प्राइमरी एमाइड। अरे और भी होते हैं, विनरेब एमाइड भी होता है। एक होता है CONH, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमाइड। एक होता है CON, इसको बोलते हैं टर्शरी एमाइड। राइट। एक और होता है विनरेब एमाइड, ठीक है ना। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, अभी के लिए आप जानिए कि नाम मतलब तीन तरीके का एमाइड है और इसका नाम लिखना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। IUPAC के अकॉर्डिंग इनका जो नाम होता है वो होता है एल्केनामाइड। क्या होता है? एल्केनामाइड। लेकिन समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। जैसे अगर मैंने बोला HC OH NH2, बताइए पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है? ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? एक। एक का मतलब क्या होगा? मिथ। तो मिथ प्लस एन प्लस अमाइड। मिथ प्लस एन प्लस अमाइड, क्या नाम हो गया इसका? मिथेनामाइड। मिथेनामाइड। बात समझ में आ रही है सभी को? हेलो एवरीवन। हेलो हेलो एवरीवन। अगर मैंने बेटा बोला आपको CH3 C double bond O single bond NH2, क्या बोलेंगे इसको? मिथेनामाइड। मिथेनामाइड। अगर मैंने बोला आपको भैया इस तरीके से, इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रोपेनामाइड। राइट। अरे समझ नहीं रहे हो बात को, क्लियर है ना? हाँ या ना? क्लियर है। लेकिन अगर मैंने कुछ घपला कर दिया, जैसे मैं अभी तो प्राइमरी एमाइड था, लेकिन मान लीजिए मैंने ऐसे करके अब ये एक सेकेंडरी एमाइड है। अब आपको क्या लिखना होगा? आपको स्पेशली मेंशन करना होगा कि CH3 किससे लगा हुआ है? नाइट्रोजन से। तो आप लिखोगे नाइट्रोजन से लगा हुआ है मिथाइल, ठीक है ना। उसके बाद पूरे का नाम ऐसे कर दो जैसे मिथाइल है ही नहीं। क्या नाम हो जाएगा इसका? एन मिथाइल प्रोपेनामाइड, ठीक है ना। पांचवा, अगर मैंने मान लीजिए ऐसे कर दिया, नाइट्रोजन से दो मिथाइल लगा दिए, अब क्या होगा? N, डाइमिथाइल लिखना पड़ेगा। नाइट्रोजन से डाइमिथाइल। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद प्रोपेनामाइड। अरे बोलिए हाँ या ना? हेलो हेलो एवरीवन। हेलो हेलो एवरीवन। लेकिन अगर मैंने कुछ और कोई गलत काम किया, जैसे मान लीजिए मैंने एक तो मिथाइल रहने दिया, एक इथाइल कर दिया, अब आप अल्फाबेटिकली लिखेंगे। पहले लिखेंगे किसको? ईटी को, मतलब एन इथाइल, फिर एन मिथाइल, इसके बाद कर देंगे प्रोपेनामाइड। बात समझ में आ रही है सभी को? हेलो हेलो एवरीवन। हेलो, क्लियर है बेटा सभी को यहां तक? बच्चों क्लियर है यहां तक? यस सर। अगर मैं एक और सवाल आपसे पूछूं, इस ब्रोमामाइड, इसको ब्रोमामाइड बोलते हैं वैसे, लेकिन इसका नाम लिख दीजिए IUPAC में क्या होगा? क्या बोलेंगे इसको? एन ब्रोमो ब्यूटेनामाइड।
इसको ब्रोमामाइड भी कहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एन ब्रोमो ब्यूटेनामाइड या ब्रोमामाइड। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो, क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? यस सर। एक और आ जाता है, दैट इज कॉल्ड अमाइंस। अगर आपने इतना काम सीख लिया, AMINE, अमाइंस। अमाइंस क्या होते हैं बेटा? अमाइंस भी तीन तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी एमीन, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी एमीन्स, तीसरे को बोलते हैं टर्शरी एमीन्स। इसको बोलते हैं NH2 मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, इसको बोलते हैं NH, ये एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, एंड इट इज सिंपली N, इट इज ए ट्राइवेलेंट फंक्शनल। क्लियर है बेटा? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। बेटा लिख लिया? हेलो बच्चों, लिख लिया यहां तक सभी ने? बेटा लिख लिया सभी ने? इसके लिए दो चीजें हैं, एक है प्रीफिक्स और एक है सफिक्स। इसकी प्रीफिक्स होती है एमिनो, अमाइनो, और इसकी सफिक्स होती है एमीन। लिख लिया बेटा सभी ने? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। बेटा नोट कर लिया सभी ने? यस सर। अगर आपको नाम लिखना पड़े, देखो अमोनिया के डेरिवेटिव्स, अमाइंस आर नोन एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया से बनते हैं सब के सब। तो अमोनिया से हम शुरू नहीं करेंगे, हम करेंगे शुरू अमोनिया के आगे से, क्योंकि अमोनिया के डेरिवेटिव्स को कहा जाता है। अब बताइए कितने कार्बन एटम है? एक तो नाम हो जाएगा मेथ प्लस एन प्लस अमाइन। क्या नाम हो गया इसका? मीथेनामाइन। बात समझ में आ रही है सभी को? इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलिए क्या नाम होगा? इथेनामाइन। तीसरा बताइएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनामाइन। लेकिन प्रोपेन वन अमाइन लिखेंगे, क्योंकि अब यहां पर चीजें बदलेंगी, मैं बताऊंगा कैसे बदलेंगी। प्रोपेन वन अमाइन, दो के बाद पोजीशन बतानी पड़ती है इसमें, क्योंकि अगर पोजीशन ना बताओ तो इन दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं है। पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? तीन की है। अब बतानी पड़ रही है ना पोजीशन, प्रोपेन टू अमाइन। अंतर समझ में आ रहा है? अगर 1-2 ना लिखूं तो दोनों प्रोपेनामाइन हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए एक प्रोपेन 1 अमाइन है, एक 2 अमाइन है। तो दोनों ही प्रोपेनामाइन है, एक 1 प्रोपेनामाइन है, एक 2 प्रोपेनामाइन है। हेलो बच्चों, हेलो, क्लियर है यहां तक सभी को? हेलो हेलो बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? बेटा नोट कर लिया यहां तक सभी ने? यस सर। अब हम बढ़ते हैं आगे, नंबर पांच। नंबर पांच क्या है? यस, अगर मान लीजिए मैंने इस तरीके की कोई अमोनिया डेरिवेटिव लिया, एक हाइड्रोजन को हटा के CH3 लगा दिया, जैसा अमाइड में करते थे वैसा यहां करना है। यहां क्या लिखना है? एन मिथाइल। क्या हो जाएगा ये? 1-2-3 प्रोपेन अमाइन। प्रोपेन क्या बोलोगे? 1 अमाइन। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, क्लियर है यहां तक सभी को? आगे बढ़े ना बढ़े आगे, बस इतना ही रखें? एक और क्वेश्चन दें या ना दें? इसका नाम क्या होगा बताइए? हेलो, आपको जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनना पड़ेगा, ठीक है ना? तो बताइए इसका नाम क्या होगा? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है ना सभी को मेरी? हाँ जी बताइए, इसका नाम क्या होगा? व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलिए, एन मिथाइल।
लोड होने तो जरा। क्या नाम हो जाएगा इसका बोलिए? एन मिथाइल प्रोपेन टू अमाइन। लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। सेवंथ को करके बता दो देना। अगर आपने सातवां क्वेश्चन कर लिया ना तो आपको पूरा आ गया समझो। बताइए इसका नाम बता दो। ये हो गया तो सब हो गया। एनिथाइल एन मिथाइल पेंटेन थ्री अमाइन। वेरी नाइस। एन इथाइल एन मिथाइल पेंटेन थ्री अमाइन। बात समझ में आ रही है सभी को? हेलो बच्चों, क्लियर है यहां तक सभी को? हेलो बच्चों, लिख लिया? चलिए अब एक्सरसाइज कर लो, आज की एक एक्सरसाइज। करना चाहेंगे एक्सरसाइज या नहीं? करना चाहते हैं सभी बच्चे? दूं या ना दूं? सर दे दो। नोट कर लिया बेटा यहां तक सभी ने? बेटा यहां तक नोट कर लिया सभी ने? हेलो बच्चों। यस सर। क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा सभी बच्चों ने? क्या सभी बच्चों ने प्रश्न आई मिंटू से क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया है? यस सर। चलिए फिर इनके सॉल्यूशन बना के इनके सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे नंबर पर। सभी बच्चे करें, मतलब दो तीन बच्चे, एक पूरी क्लास में एक दो बच्चे ही करके भेजता है, ये गलत चीज है। सारे बच्चों को करके भेजना तब तो इवेल्युएशन हो जाएगा कि हाँ बच्चे कर रहे हैं आप लोग या नहीं। आठ क्वेश्चन है, कोई और बच्चा जिसका रहता है तो मुझसे बता दे कि भाई ऐसा है कि हम नोट नहीं कर पाए, सर हमें नोट करने दो तो मैं मिनिमाइज नहीं करूंगा। सॉल्व करना शुरू करती है जल्दी से। टाइम अलॉटेड ओनली 10 मिनट्स। कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा ना? जी बेटा। सर CO2H कार्बोक्सिलिक एसिड कोई बोलते हैं, CO2H बता रखा है मैंने पहले भी। जी बच्चों जल्दी से भेजिए मुझको।